नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आई एम पीयूष राठौर, आई एम अ फैकल्टी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जिसका सब्जेक्ट कोड है ME201। तो दोस्तों, हमने कल यूनिट नंबर 12 के बारे में डिस्कस किया था, थिन सिलेंड्रिकल सेल। आज इसी यूनिट के बेस पर अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो दोस्तों अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्ट्रीम बॉयलर ऑफ 800 mm डायामीटर इज मेड ऑफ 10 mm थिक प्लेट्स। तो एक बॉयलर है जिसका डायामीटर दे रखा है 800 mm, उसकी जो थिकनेस प्लेट है, उस प्लेट की थिकनेस है 10 mm। इफ़ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.5 MPa, इंटरनल प्रेशर दे रखा है 2.5 MPa, फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉयलर प्लेट्स। तो बॉयलर प्लेट के अंदर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो इंड्यूस हुआ, वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यूज अपन को दी हुई है, सबसे पहले वो पुट कर देंगे गिवन डेटा में। डायामीटर दे रखा है बॉयलर का 800 mm, थिकनेस दे रखी है प्लेट की 10 mm, और इंटरनल प्रेशर दे रखा है दोस्तों 2.5 MPa। तो सबसे पहले मेगा पास्कल को अपन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो इंटरनल प्रेशर है उसकी यूनिट रहती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो दोस्तों, हम ये स्टार्टिंग में अपन चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि जो 1 MPa होता है वो इक्वल होता है 1 N/mm² के। तो मेगा पास्कल की जगह 1 N/mm² भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिग्मा सी बराबर PD/2T। पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.5, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 800, 2 की जगह 2, टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 mm। सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी दोस्तों, तो अपना आंसर आ गया 100 N/mm², और N/mm² को अपन मेगा पास्कल लिख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या गया दोस्तों, 100 MPa। अब बात करते हैं दोस्तों टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिग्मा टी बराबर होता है PD/4T। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, पी की वैल्यू पुट करी 2.5, डी की वैल्यू पुट करी 800, फोर टी की वैल्यू पुट करी 10, तो अपना आंसर आ गया 50 N/mm², 50 MPa। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इस चैप्टर से अगर कोई भी न्यूमेरिकल बनेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस ही आएगा, तो अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अगर फॉर्मूले अपन को याद नहीं हो, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अपन नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ सिलेंड्रिकल सेल ऑफ 1.3 मीटर डायामीटर इज मेड अप ऑफ 18 mm थिक प्लेट्स। तो दोस्तों, डायामीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल सेल का 1.3 मीटर, और जो प्लेट की थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 18 mm। फाइंड द सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द प्लेट्स। अपन को सर्कमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। इफ़ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर है बॉयलर के ऊपर जो लग रहा है पास्कल, टेक एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, इसमें जॉइंट का यूज किया गया है दोस्तों, और जॉइंट की एफिशिएंसी अपन को दे रखी है 70%। तो सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यू अपन को दे रखी है, वो अपन लिख देंगे गिवन डेटा। डायामीटर दे रखा है 1.3 मीटर, थिकनेस दे रखी है 18 mm, इंटरनल प्रेशर दे रखा है 2.4 MPa, मेगा पास्कल की जगह दोस्तों क्या कर देंगे, न्यूटन पर mm², तो 2.4 N/mm², और एफिशिएंसी दे रखी है 70%। परसेंटेज को डाएंगे दोस्तों, तो बटा 100 करेंगे, तो 70/100 को लिखते हैं अपन 0.7। अब दोस्तों, यहाँ पे जो डायामीटर दे रखा था वो अपन को मीटर में दे रखा था 1.3 मीटर, और जो और डायमेंशन है बाकी की, जैसे थिकनेस हुई, इंटरनल प्रेशर हुआ, इसमें mm आ रहा है, जैसे थिकनेस में 18 mm, इंटरनल प्रेशर न्यूटन पर mm², तो इस मीटर को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों अपन को। किसमें चेंज करना पड़ेगा, mm में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर को mm में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 10³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों अपन फॉर्मूला जानते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का, PD/2T ईटा। ईटा कब लगाते हैं, जब एफिशिएंसी जॉइंट की अपन को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में जॉइंट की एफिशिएंसी अपन को दे रखी है, सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट की दोस्तों, पी की जगह 2.4, डी की जगह 1.3 × 10⁴, 2, थिकनेस की जगह 18 × 0.7। इसको सोल्व किया दोस्तों, तो अपने पास आंसर आ गया 124 N/mm².
ठीक है, 124 मेगा पास्कल। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, सिग्मा टी बराबर पी डी एफ ऑन 40 इंटू ईटा। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना दोस्तों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो अपना आंसर आ गया 62 मेगा पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर पे जो भी न्यूमेरिकल बन सकते थे वो टू टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते थे, फॉर्मूले बेस्ड, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन करें और एक बार इन क्वेश्चनों को करके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।